दोस्तों ना कल मैं घर छोड़ के जा रही कहीं और शिफ्ट होने के लिए। कहाँ जा रही ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और ना कल से आपको ये लोकेशन देखने को नहीं मिलेगी। ये देवदार के हरे भरे पौधे, जंगल, मतलब डांडा वगैरह जितनी भी चीज़ है यहाँ की कुछ देखने को नहीं मिलेगी कुछ दिनों तक। तो दोस्तों ना मेरे सासू जी अभी जा रखे गाँव में। और गाँव में पता है क्यों जा रखे? क्योंकि हमने जो थल्डी है ना, हमारी छोटी वाली भैंस का बच्चा, वो हमने किसी को दे दिया, तो उसको छोड़ने के लिए ही जा रखे अभी। और वहाँ से सासू जी आएंगे, फिर हमने मटर मूली और गोभी निकालनी है, क्योंकि हम अब कहीं और शिफ्ट हो रही, हम तो नहीं पर मैं हो रही कहीं और शिफ्ट, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ शिफ्ट हो रही। तो अभी हमने कट्टा भर के निकालना है गोभी गोभी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नाम है सोनी नेगी और आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों अभी आप लोग बोल रहे होंगे ये सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही, तो मैं सुबह सुबह ना तैयार होके जा रही चम्बा मार्केट। और चम्बा मार्केट में है मेरा कुछ काम, बैंक में ना मेरा कुछ काम है, तो मुझे जल्दी जल्दी से जाना होगा। तो अभी ना ऊपर डांडे से नीचे आने तक ऐसे थकान लग गई, ऐसी स्पीड से भागी मैं। मैंने बोला रोड के ऊपर ही बनाऊँगी मैं वीडियो, ब्लॉगिंग रोड के ऊपर ही करूँगी। तो नीचे पर जेठ जी वगैरह भी हैं, शायद से उनके मटर के थैले हैं, मटर देने जा रहे वो चम्बा। डांडे से ना बहुत प्रॉब्लम है रोड में आने तक, पैदल आना पड़ता है। और गांव में रहते तो गांव में घर के पीछे ही रोड है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं पहुंच चुकी हूँ रोड में, ये सामने पे नीचे रोड है। तो ये बोल रही थी मैं, अगर गाड़ी आएगी तो ठीक है, यही तो प्रॉब्लम होती मेन रोड पे, मतलब गाड़ियाँ नहीं मिलती। नाम की भले ही रोड रहती मेन, पर गाड़ियाँ एक भी नहीं मिलती। अब मैं भी देखती हूँ मुझे गाड़ियाँ मिलती है या नहीं मिलती। और मुझे आराम आराम से जाना पड़ा, क्योंकि ना ऐसे फिसल रहे पे क्या बोलूँ, ये देखो गिर गई थी मैं, बच गई। ऐसे ही जूती पहन रखी मैंने फिसलन टाइप की, तो उस साइड से जेठ जी भी हैं, तो मुझे थोड़ा सा शर्म लग रही जेठ जी के सामने ब्लॉगिंग करने में। तो मैं यहीं पे गाड़ी का वेट करती हूँ, देखती हूँ गाड़ी आती है या नहीं आती। अभी तो फ़िलहाल मैं मेन रोड पे खड़ी हूँ, ये है गजा वाली मेन रोड। तो कब तक आती गाड़ी? जेठ जी भी ना साइड से गाड़ी का वेट कर रहे, कब से आ गए थे यहाँ रोड पर, अभी तक उनको भी गाड़ी नहीं मिली। और मैं देखती हूँ मुझे मिलती है नहीं मिलती। मैं तो सिंगल हूँ और उनके पास सामान वगैरह भी है, जिसकी गाड़ी भी मिलेगी चली जाऊंगी। तो इस वाली रोड में ना पता नहीं मैं कब से नहीं गई अपना गांव दिगोठी, और फिलहाल तो मैं चंबा के साइड बहुत बार गई हूँ, बट अभी तक अपना गांव नहीं गई। बहुत दिन हो गए, दिन तो क्या पता नहीं मैंने मोने हो गए, तब से नहीं गई अभी मैं। गाड़ी भी नहीं आ रही यहाँ दूर दूर से जी, यही तो आफत है। तो दोस्तों ना चंबा से आ गई मैं वापस घर, और अब जा रही मैं घर की ओर। और आज मैंने वीडियो ना नहीं बनाया, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं किया। सुबह मैंने आपको बोला था कि मेरा सर दर्द हो रहा, तो इस रीजन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। तो यहाँ से ना मुझे अकेला जाना पड़ेगा घर की ओर, तो घर जाती हूँ जल्दी जल्दी से। आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत कुछ खास नहीं हो रही, बस जंगल से ही हो रही, और फिर से जा रही मैं। आपको पता है कि मेरे डेली का काम क्या है। तो क्या बोल रही थी मैं, आजकल ना वीडियो बनाना काम मन सा भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो ठंड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है पहाड़ों में, पता नहीं यार गांव भी कब जाएंगे हम। अभी तो यहाँ डांडे पे इतनी ठंड हो रही ना, ठंड से हालत ख़राब हो गई। और सासू जी जा रखे अभी गांव में, गांव में तो नहीं जा रखे पर रोड तक जा रखे, क्योंकि जो हमारी छोटी वाली मतलब बड़ी वाली भैंस का बच्चा था छोटा, वो हमने किसी को दे दिया। और जब सासू जी आएंगे उसके बाद हमने बहुत सारे काम करना, और बहुत सारे काम पता है आपको क्या करना, हमने निकालना है मूली गोभी और मटर। और पता है ये क्यों निकालना, ये आपको कल पता चल जाएगा, क्योंकि मैं कहीं और शिफ्ट हो रही, और कहाँ शिफ्ट हो रही ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सासू जी आएगी जल्दी से, तो हमें गोभी वगैरह निकालना होगा,
अभी तक तो आए नहीं फिलहाल सासू जी, और फिर ठंड भी होती और ठंड से वहाँ पाला पड़ जाता यार पूरे खेतों में, तब निकाले नहीं जाते। और निकालने थे हमने कल सुबह, क्योंकि कल सुबह हम इसलिए नहीं निकाल सकते, सुबह मैंने जल्दी जाना है यहाँ से, तो आपको ना वीडियो के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही और कहाँ शिफ्ट हो रही, ये सब आपको वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग तो मैं करती हूँ और ब्लॉगिंग के माध्यम से आप सबको पता चल। कल से आपको ये लोकेशन देखने को नहीं मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, प्लस मैं भी करूँगी, तो डांडा की कोई भी लोकेशन नहीं दिखाई देगी कल से मेरे ब्लॉग में। और ये क्या बोलते सामने पे हमारे देवदार के पेड़ वगैरह, इतने प्यारे प्यारे खेत, सामने के गांव, जाखणी धार, सब चीज़ मिस होगी कल से। तो सामने पे जाखणी धार है और इसके बगल में ना चंद्रवर्धिनी का मंदिर, तो यहाँ पे कौन सा गांव है ये कैचू वगैरह, तो यहाँ पे कोटद्वार है सामने पे, फिर इसके बगल में टीरी, फिर टीरी के बगल में प्रताप नगर, मतलब हमारे डांड के डांडे से सारी लोकेशन ना दिखाई देती, तो आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, मैं भी करूँगी यार। तो ये धार नहीं है जो सामने वाली, इसके पीछे ना इतने प्यारे प्यारे गांव हैं, नकोट साइड और गजा रहा आपका इस धार के पीछे, तो इस जो देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे इसी के नीचे नीचे हमारा गांव भी है, तो सारी चीज़ें मिस हो जाएगी कल से। और सामने पे हिमालय पर्वत वगैरह, हिमालय पर्वत पे अभी बादल लगे हैं, और सबसे टॉप में ना आपका प्रताप नगर है, ये दिखाई दे रहा होगा इस पहाड़ पे, कौन कौन है यहाँ के कमेंट करके बताना। तो यहाँ से सीधा चलते हैं उस साइड, जाखणी धार का डांडा है वो पूरा, ये सामने से उधर से ना उधर तक पूरा जाखणी धार का डांडा है, और नाइट व्यू ना इतना मस्त लगता है वहाँ का, अगर मुझे आज टाइम लगेगा तो मैं आपको ना जाखणी धार का नाइट व्यू दिखाऊंगी, इतना प्यारा लगता है, आई जितनी तारीफ करूँ उतना कम ही कम है। और कमेंट करके बताना प्रताप नगर कहाँ है, प्रताप नगर टीरी और चंबा भी उसी के पीछे है, यहाँ पे तो डांडा चेली है ये सामने पे, और कोटद्वार, कैचू, जाखणी धार, प्लस गजा गुजा, कहीं भी जो भी इस एरिया के हैं, जितना भी मैं दिखा रही इस एरिया के हैं, कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, और खुशी इस बात की होगी कि इतने दूर से लोग मेरी वीडियो को देख रहे। यहाँ पे ना सासू जी पिंडालू निकाल रहे, आज हम यहाँ से पिंडालू निकाल रहे और आज पिंडालू की खुदाई करेंगे, क्योंकि ये पिंडालू ना मेरे लिए निकाल रहे स्पेशल, मैंने बोला जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक पूरे खोड़ के जाऊँगी, जो भी चीज़ है यहाँ सब कुछ, ये देखो इधर से, और एक ही पेड़ है फिलहाल तो यहाँ पे, पता नहीं कितना होगा उस पर ना, पेड़ ऐसे ही रहने देंगे, उखाड़ेंगे ना, उखाड़ेंगे ये क्या करने एकता, ये देखो इतने सारे पिनालू होते अरबी एक पेड़ पे, ये देखो कितनी अरबी हो रखी, और इनको अलग अलग करेंगे हम थोड़ा सा, नहीं सब मैं बिहार में डोलू तब बोल रहा है, और कुछ पिनालू ना सासू जी नीचे से लाएंगे, क्योंकि अरबी और तेड़ मेरी फेवरेट है। बेचारी मेरे सास जी कितने अच्छे हैं, दूसरे वाले खेत में जा रखे अरबी निकालने के लिए, और सुबह ना हमारी वार्तालाप हो रही थी, तो मैंने सास और ससुर जी को बोला कि पिनालू नहीं हो रखे, पिनालू मेरे फेवरेट है, तो सास जी ने बोला अभी तो उन पौधों पे नहीं हो रखे होंगे जो यहाँ नीचे छोटे छोटे हैं, तो फिर सोचा साचे हमने तो एक पौधा था बहुत बड़ा, तो मैंने सास जी को, मैंने तो नहीं ससुर जी ने बोला, वो वहाँ पे हैबल चौक के वहाँ पे वो पौधा उस पर हो रखे होंगे बल पिनालू, तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं और सासू जी पिनालू की खुदाई कर रहे, अब मैं सोच रही पता नहीं कितने पिनालू निकलेंगे, तो ये बाल्टी ले जाके जा रही मैं पिनालू लेने के लिए, तो ना सासू जी मेरे लिए पिनालू निकाल रहे, क्योंकि मुझे अरवी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सासू जी को बोला यार मुझे इतनी पसंद है, तो सासू जी ने कहा ठीक है निकाल लेते, और मैं भी जाती हूँ यार सासू जी की मदद करने के लिए, क्योंकि वो मेरी मदद कर रहे, मतलब मेरे ही लिए निकाल रहे खाने के लिए,
तो मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। तो जल्दी से जाती इस बाल्टी को ले जाती और इसमें ला के आती। मुझे बोल रहे थे तू मत आ यहाँ, तो मैंने बोला मैं भी आती हूँ यार, फिर जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद सास जी निकालेंगे मटर और मैं पिंडालू को उबालने के लिए रखूँगी। फिर मैं भी खेत में आऊँगी सास जी के साथ मटर और गोभी वगैरह निकालने के लिए। इस बाल्टी में अरवी भी हो गई तैयार, अरवी कर दी मैंने धुल धुल के तैयार। और चूल्हे में मैंने रखा है गर्म पानी, तो गर्म पानी से ना मैं मूली धुलूंगी। तो इस अरवी को रखती हूँ मैं जल्दी से चूल्हे में। यहाँ पे ना मैं दथला भी ला गई, अब मुझे बड़ी बड़ी गोभियाँ निकालनी होगी यहाँ से, तो मैं जल्दी से गोभी निकालती। पहले मुझे ना इस साइड से स्टैंड फिट करना होगा, तो यहाँ से निकालती हूँ मैं, शुरुआत यहाँ से करती हूँ। गोभियाँ ना कुछ इस तरीके से निकाली जाती, हमने गोभी निकाल दी है ना, तो ये गोभी बेचने के लिए, बस इस गोभी का ना कहीं हमें पार्सल करना है और वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि कहाँ ले जा रहे हैं हम इन गोभी को। तो फिलहाल तो हमारा आधा खेत खत्म हो गया है गोभी से, तो यहाँ पे सास जी अपने मटर और गोभी ले जा रहे हैं, तो मुझे भी सास जी के साथ गोभी ले जानी होगी घर की ओर। तो इनको भी ले जाती हूँ मैं घर। तो आज ना गोभी मैंने अपने हाथों से निकाली है, तो जब अपने हाथों से निकाली है तो डांस करना तो बनता है, टक टक टक। मुझे आ गया गोभी निकालने में, और यहाँ पे ना पाला पड़ गया और मौसम भी ख़राब होते जा रहा है, उस साइड से धूप लगी है और सामने की पहाड़ियों से धूप चली गई, ऐसा भी होता है। तो जल्दी जल्दी निकालना होगा और मैं हो रही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश, और किस लिए हो रही थी खुश वो आपको कल वाली ब्लॉग में पता चल जाएगा, जो मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पता चल जाएगा। तो हमारे फ्रेश गोभी जाएंगी बहुत दूर पार्सल के लिए, तो इनको ले जाती हूँ मैं पहले, नहीं तो सास की मार खाऊंगी। जल्दी से ले जाती, यहाँ से ऊपर रखना होगा मुझे पहले एक एक करके, फिर ले जाऊँगी, फिर बनाऊँगी यार उनको, इनको सही तरीके से। मुझे बोलेंगे इतने सारी गोभियाँ तोड़ दी, तो तोड़ते टाइम ना पता ही नहीं चलता कि कब गोभी टूट जाती, ये पता नहीं चलता, तो तोड़ते टाइम मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ पे ये हो रखी और इतनी सारी गोभी, OMG बल्ले बल्ले। जहाँ पार्सल वहाँ मतलब जहाँ पार्सल जा रहा है इन गोभियों का, वहाँ उनको पता चल जाएगा। तो गोभी सही तरीके से ले जानी पड़ेगी, मैंने दराती पता नहीं पा रखी, दराती खो गई होगी तो अब सास जी की डांट पड़ेगी। ये देखो कितनी सारी गोभियाँ निकाल दी, अब इनको बनानी पड़ेगी मेरे को, तो जल्दी से ले जाती हूँ इनको टोकरे में, वो टोकरी सासू जी ला के आएंगी। फिलहाल तो क्या बोल, क्या खिरी भैया वहाँ क्या खिरी ना, तो यहाँ से ले जाती हूँ यार पानी, इतनी सारी क्यों तोड़ी मैंने, ये देखो ज़्यादा निकाल दी सारे से मैंने। तो दोस्तों ना टाइम भी आ गया है वीडियो को एंड करने का, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मैं सोनी नेगी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय, जय देव भूमि उत्तराखंड, टाटा बाय बाय।